अ वेरी बाम रिगार्ड्स ऑल द व्यूअर्स दिस इज डॉ शहाना व सिद्दीकी आई एम अ क्रिटिकल केयर कंसलटेंट डायबेटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन और हम आज बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जिसके अगेंस्ट काफी सारी इंटरनेशनल हेल्थ सोसाइटीज और कंट्रीज ने अलर्ट्स इशू किए हैं और ये बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स तो आइए देखते हैं मंकी पॉक्स क्या होता है ये बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है इस बीमारी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके लिए हमारे पास क्या डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं इससे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और एंड में हम देखेंगे कि इन सारे डिस्कशन के बाद क्या हमें इस बीमारी से पैनिक होना बनता है या नहीं बनता है तो आइए सबसे पहले देखते हैं मंकी पॉक्स क्या है डेनमार्क जो कि एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है यहाँ पे 1958 में एक रिसर्च लैब में पहली बार ये बीमारी एक रिसर्च मंकी में पाई गई थी वहीं से नाम पड़ा मंकी पॉक्स ये एक्चुअली एक डिजीज़ है जो यूजुअली जानवर में पाई जाती है और जानवर से इंसानों में आती है ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है जो कि एक डी डबल स्टैंडर्ड वायरस है ये वायरस एक एनवेलप में पाया जाता है ये वायरस के दो वेरियंट्स होते हैं एक वेरियंट का नाम है सेंट्रल अफ्रीकन वेरियंट दूसरा वेरियंट है वेस्टर्न अफ्रीकन वेरियंट सेंट्रल अफ्रीकन वेरियंट जो है दोसो नोन एज कॉन्गो वेरियंट ये रिस्पॉन्सिबल है करंट uh, आउटब्रेक के लिए और ये ज़्यादा विरुलेंट और ट्रांसमिसिबल होता है एक्चुअली मंकी पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है बिकॉज दोनों स्पीशीज़ सेम जीनस और फैमिली से आते हैं इसी वजह से यह कहा जाता है कि जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट वो वैक्सीन एटी फाइव परसेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मंकी पॉक्स वायरस के लिए भी That that is the reason they said that they are, these viruses are linked and that's why the uh, there is a common uh, cross protection for the vaccines of these virus अब हम देखते हैं ये वायरस के नेचुरल होस्ट क्या होते हैं सबसे पहले नेचुरल होस्ट वो होते हैं जो नेचुरल तौर पे ये वायरस को अपने बॉडी में होस्ट करते हैं बट इनमें डिजीज नहीं होते हैं तो नेचुरल होस्ट होते हैं चूहे गिलेरिया या फिर खरगोश और उसी तरीके से नेचुरल होस्ट नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी होते हैं जिनमें आते हैं बंदर गिलेरिया और चिमपैनजीज आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ दिस वायरस और, और करंट सिनेरियो पे एक्चुअली नाइनटीन सेवेंटी में पहला ह्यूमन केस देखा गया था यह एक्चुअली एक नौ साल का लड़का था जो कि केस रिपोर्ट किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है सिंस 1970 से लेके अभी 2022 तक ये बीमारी uh, कुछ ऑलमोस्ट एवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंडेमिक लेवल uh, पे मतलब लो लेवल पे चल रही है यूजुअली uh, ये नहीं देखा जाता कि ये वायरस निकल के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर जाए पर पास uh, में ऐसे चार पांच एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे कुछ आउटब्रेक्स देखे गए हैं पहला आउटब्रेक देखा गया था नाइनटीन में जो आफ्रीन कंट्री में ही था दैट इज़ फ्रॉम कॉन्गो दो में देखा गया कि ये वायरसेस या इसके पेशेंट्स पाए गए यू में टू में नाइजीरिया में 2018 में इसराइल यूके इन्वॉल्व हुआ था उसके बाद 2019-21 में सिंगापुर में भी कुछ केसेस देखे गए थे तो हम ये देख सकते हैं कि कोई नया वायरस नहीं है ना ही आउटब्रेक्स इससे पहले नहीं हुए हैं पर इस बार पैनिक क्यों पैनिक की वजह यह है क्योंकि जिस दिन से ये केस रिपोर्ट किया गया फर्स्ट केस इस आउटब्रेक का दैट इज़ ऑन थर्टींथ ऑफ मे ट्वेंटी फ्रॉम यू के एट डेज ये वायरस अपने नेचुरल या फिर नॉर्मल जहाँ पे वायरस होता है आफ्रीन कॉन्टिनेंट से लेके कर ट्रांस कॉन्टीनेंटली स्प्रेड हुआ है अक्रॉस द आपका कह सकते हैं कि अटलान्ट ओशन और इंडियन ओशन ये गया है फ्रॉम अफ्रीन कॉन्टिनेंट टू तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऊपर ये गया है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और आगे बस में पहुंच चुका है ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक जहां पे कैनेडा और यूएस भी इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ये रेट ऑफ स्प्रेड एक्चुअली नया है इतने इससे पहले हालांकि वायरस स्प्रेड हुआ है पर इतना फास्ट स्प्रेड अभी तक देखा नहीं गया है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है अलर्ट इशू करने का और पैनिक का आगे हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं ऑलमोस्ट अराउंड द ग्लोब ट्वेल्व कंट्रीज इन्वॉल्व हुई है इसमें आठ कंट्रीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली नीदरलैंड्स पोर्चुगल स्पेन स्वीडन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट ट्वेल्व कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं इस बार अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स और ऑलमोस्ट इन कंट्रीज में मिला के अप टिल ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई ट्वेंटी टू तक एज पर डब्ल्यू एच ओ नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी केसेज दिखे गए हैं उसमें से नाइन्टी टू केसेस कन्फर्म केसेज हैं और बाकी ट्वेंटी एट केसेज जो है वो सस्पेक्टेड केसेज हैं <coughs> तो ये करंट सीनारी है इस वायरस का अब हम देखते हैं वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है ये वायरस ट्रांसमिट तीन फेजेज में होता है पहला ट्रांसमिशन होता है फ्राम एनिमल्स टू ह्यूम्स दूसरा ट्रांसमिशन होता है फ्राम ह्यूमन्स टू हूमन्स और तीसरा ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम अ प्रेगनेंट फीमेल थ्रू द प्लासेंटर टू द फीटस उसके बच्चे को और चौथा ट्रांसमिशन जो थोड़ा स्केप्टिकल है और कन्फर्म नहीं है वो होता है सेक्शुअल ट्रांसमिशन <coughs> तो हम देखते हैं जानवरों से इंसान तक बीमारी कैसी फैलती है जब भी ह्यूमन्स कॉन्टैक्ट में आते हैं नेचुरल होस्ट के थ्रू देयर बाइट्स या स्क्रैचेज या फिर कंजम्पशन ऑफ द बुश मीट उन जानवरों का आ, कम पका हुआ मीट खाने से या अनकूक फूड खाने से या इनप्रॉपरली कुक फूड खाने से ये बीमारी फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स फैलती है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यूजुअली होता है रेस्पिरेटरी सिक्रीन से जैसे कि स्पूटम से या फिर आपके जो स्किन में कभी कभी जो लीजेंस आते हैं उसके ट्रा उसके थ्रू भी ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स सेकेंडरी टू स्नीजिंग थोड़ा कम प्रॉबिलिटी है बट इसकी प्रॉबिलिटी रूल आउट नहीं की नहीं की जा सकती है तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूम ह्यूमन टू ह्यूमन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड बाय अ प्लासेंटा अब हम देखते हैं इस, इसके लक्षण क्या होते हैं मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं तो हम क्लिनिकल फीचर्स को तीन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला पीरियड होता है इनक्यूबेशन पीरियड दूसरा पीरियड है इन्वेजन पीरियड और तीसरा पीरियड होता है स्किन इरप्शन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है आपके बॉडी में वायरस आने से लेके पहला सिम्टम आने तक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड ये पीरियड वो पीरियड होता है जब आपके बॉडी में वायरस होता है लेकिन आपको डिजीज मैनिफेस्ट आप नहीं करते हैं और जैसे ही इनक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होता है स्टार्ट होता है इन्वेजन पीरियड इसमें आपको वेरी हाई ग्रेड फीवर इंटेंस हेड बॉडी पेन मसल पेन एनोरेग्जिया नाक से आपको बराबर सांस नहीं लेना या स्मेल नहीं आना खाने की तबीयत नहीं होना ये सब फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको इन्व्यजन पीरियड में देखे जा सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर होता है इन्वेजन पीरियड का वो है लिम्फ नोड्स का सूज जाना जैसे जिसे हम कहते हैं लिम्पेडनोपैथीज यूजली आपके थ्रोट के नेक के आम पिट्स के या फिर आपके गोइंस के लिप्फनोट स्वेल हो जाएंगे और ये लिफ्लोट्स स्वेल होना डिफ्रेंशिय डिफ्रेंशिएट करते हैं मंकी पॉक्स फ़ीवर को अदर रैश फीवर से जैसे कि स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स मीजल्स और माम्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस मंकी पॉक्स वायरस का जो दैट इज लिम्फेडोनोपैथी मतलब लिम्फ्लोट्स का सूज जाना जो कि दूसरे फीवर्स में वायरल फीवर्स में नहीं देखा जाता है उसके बाद चालू होता है स्किन इरप्शन का पीरियड स्किन इरप्शन का पीरियड यूजुअली स्टार्ट होता है फीवर आने के दो से तीन दिन बाद इसमें पूरे बॉडी पे छोटे छोटे रैशेस पड़ जाते हैं यूजुअली ये रैशेज देखे जा सकते हैं आपके एक्सट्रीमिटीज पे और फेस पे ट्रंक्स पे रैशेज या फिर आपकी मेन बॉडी पे पेट पे या पीठ पे कम प्रमाण में देखे जाते हैं <coughs> ये रैशेज होते हैं चार टाइप के जिन्हें हम कहते हैं मैक्यूल्स पैप्यूल्स वेसिकल्स एंड पिश्यूज अगर ये फ्लैट रेड रैशेज हैं तो उन्हें कहते हैं मैक्यूल्स uh, अगर ये थोड़े से रेज रैशेज हैं आपके स्किन पे से कहते हैं हम मैक्यूज और सॉरी uh, पैप्यूल कहते हैं और अगर uh, ये रैशेज अगर फ्लूड फिल्ड कैविटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें पिश्यूल्स कहते हैं तो चार टाइप के लीजन होते हैं स्किन के दैट इज मैक्यूल पेप्यूल वेसिकल्स एंड पिश्यूल्स इसी के साथ साथ आपके मुंह में भी अल्सर्स देखे जा सकते हैं अल्सर्स आपके कॉर्निया और आंख पे भी देखे जा सकते हैं जिसमें आपके विजन को क्षति uh, होने का खतरा बना बन जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि ये बीमारी एक्चुअली तीन से चार हफ्ते में खुद ही ख़त्म होने लगती है बॉडी टेक्स ओवर द वायरस एंड ट्राई टू सबसाइड द डिजीज लेकिन कुछ कुछ केसेज में जैसे बहुत छोटे बच्चे या फिर बहुत एल्डरली जो इम्यूनो इम्यूनोकम्प्रोमाइज एल्ट होते हैं उनमें ये बीमारी आगे बढ़ सकती है और ऐसे पेशेंट्स में ब्रोंको निमोनिया मतलब छाती का इन्फेक्शन होना लंग्स का इन्फेक्शन होना मैनिंगो इंकेपलाइटिस दैट इज़ ब्रेन का इन्फेक्शन होना या फिर ब्लड का इन्फेक्शन होना जिसे हम सेप्सिस कहते हैं ये देखा जा सकता है और इन 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 चीज़ों के होने की वजह से ये डिजीज एडवांसमेंट होने की वजह से थ्री टू फोर परसेंट में जान का खत थ्री टू फोर परसेंट केसेज में जान का खतरा भी बन जाता है <coughs> तो ये था क्लिनिकल फीचर अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट डाइग और डायग्नोसिस की तरफ सबसे पहले डायग्नोस किया कैसे किया जाता है डिजीज़ वो देखेंगे हम तो डायग्नोस्टिक मोडालिटी दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मोडालिटी जो है इस बीमारी का ये है आर टेस्ट आर का सैम्पल यूजअली हमें मिलता है स्किन से या फिर ब्लड से ये कहा जाता है कि स्किन के सैंपल्स ज्यादा रिलायबल होते हैं और हाई यील्डिंग होते हैं इसलिए यूजुअली हम सैंपल प्रेफर करते हैं स्किन लीजन से जो कुशूल या वैसिकल से इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है क्योंकि ये बीमारी एक वायरल डिजीज़ है और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है इस वजह से यूजअली इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है आप फीवर को ट्रीट करते हैं आप बॉडी रैशेज को ट्रीट करते हैं आप इचिंग को ट्रीट करते हैं आप बॉडी पेन को ट्रीट करते हैं आप हेडे को ट्रीट करते हैं आप पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो आप इसमें होता है सिम्टोमेटिक होता है कुछ ही केसेस जो काफ़ी एडवांस होते हैं उनमें हम एंटीवायरल मेडिकेशन यूज़ करते हैं जो एंटीवायरल मेडिकेशन सामने आ रही है इस बीमारी में यूज़ करने की वो एक रिपरपोज मेडिकेशन है क्योंकि ये टैबलेट या फिर ये मॉलिकल बनाया गया था स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए पर अभी बिकॉज ऑफ दिस आउटब्रेक यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको परमिशन दे दिया दे दिया है इस बीमारी या मंकी पॉक्स में यूज़ करने के लिए और इस टैबलेट और यह मॉलिक्यूल का नाम है टिकोवेराेट ये कैप्सूल फॉर्म में आती है 200 मिलीग्राम के दिन में तीन से चार बार इसको हम ले सकते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए तो ये था डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इस मंकी पॉक्स वायरस का अब हम आगे देखते हैं वैक्सीन क्या हमारे पास इसके लिए कुछ वैक्सीन है येस yes. हमारे पास इसके लिए दो वैक्सीन है एक वैक्सीन तो वही वैक्सीन है जो हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट आसल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ये एक्चुअली वैक्सीन जब से स्मॉल पॉक्स वायरस एरेडिकेट हुआ है फ्रॉम द ईयर 1980 जब से काफ़ी कंट्रीज के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से ये वैक्सीन हट गया है ये वैक्सीन यूजुअली 85 परसेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड किया करता था अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ दिस मंकी पॉक्स वायरस लेकिन चूंकि ये अभी स्मॉल पॉक्स भी चला गया है और ये वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो गया है इस वजह से मंकी पॉक्स डिजीज़ होने का खतरा बढ़ गया है दूसरा वैक्सीन आता है जिन्यास वैक्सीन जो एक्चुअली Uh, 2019 में एफ डी अप्रूवल मिला था इस वैक्सीन को इस ये वैक्सीन एक्चुअली वैक्सीन या वायरस पे बनाया गया है ये वैक्सीन इम्यूनिटी प्र, uh, uh, प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बोथ द डिजीज स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स तो ये दो वैक्सीन है ये वैक्सीन जो न्यूअर uh, वैक्सीन है इसके दो डोजेज़ आते हैं इसको हम सबक्यूटेसली मतलब चमड़ी के नीचे लगाते हैं और ये जो दो, दो डोजेज जो होते हैं ये एक्चुअली दे आर टू बी गिवन ट्वेंटी एट डेज अपार्ट ये था वैक्सीन के बारे में अभी हम देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन तो वैक्सीनेशन है बट ये वैक्सीन वैक्सीन बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैं और लैब वर्कर्स हैं उन्हीं को ये वैक्सीन दिया जाता है पर अभी जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीन अवेलेबल या अप्रूवल नहीं मिला है इसको उसके बाद दूसरा मोडालिटी मोडी मोडालिटी ऑफ प्रिवेंशन तो हो सकता है कि हम जो नेशनल होस्ट हैं मंकीज चूहे खरगोश इनसे दूर रहें तीसरा uh, प्रिवेंशन का मोड हो सकता है जो भी पेशेंट्स हैं सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं या पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे हम अपनी दूरी बनाए रखें और चौथा प्रिवेंशन का ये मोड हो सकता है कि भाई uh, जो वाइल्ड एनिमल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं ऐसे एंडमे के एरिए से जहाँ पे बीमारी फैली है जैसा कॉन्गो और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ uh, उस पर जो रूल्स है इंपोर्ट के इसको रूल्स को अमेंड किया जाए और अगर जानवर अगर इंपोर्ट कर ही रहे हैं ऐसे कंट्रीज से तो एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ़ थर्टी डेज ऑफ क्वारंटाइन शुड बी ऑब्जर्व्ड तो ये था प्रिवेंशन uh, के बारे में मंकी पॉक्स के अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू uh, पे आते हैं क्या हमें इस बारे से डरने की ज़रूरत है या नहीं है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कि पैनिक हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये पॉइंट्स है फर्स्ट पॉइंट आता है ये कोई नया वायरस नहीं है हम इस वायरस के साथ जी रहे हैं सिंस नाइनटीन सेवेंटी सिंस लास्ट फिफ्टी टूर्स फिफ्टी टू वी आर लिविंग विद दिस वायरस ये बीमारी दो से चार हफ्तों में ख़ुद ही ठीक हो जाती है <laughs> इससे पहले भी हमारे पास कई आउटब्रेक्स हुए हैं और हम उस आउटब्रेक को हमने काफ़ी अच्छे से लड़के यहाँ पहुँचे हैं और इस बीमारी के लिए हमारे पास पहले से अच्छे डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ मौजूद हैं आज की डेट में और सिर्फ तीन से छः परसेंट केसेस ही फैटल होते हैं जिनमें जान खतरा बनता है अदरवाइज़ ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जैसे कि मैंने कहा दो तीन से चार हफ्ते में ये बॉडी खुद वायरस को टेक ओवर कर लेती है और बीमारी को सप्रेस कर देती है तो इन पॉइंट्स से हमें ये कंक्लूजन निकालने में मदद मिलती है कि हमें इस वायरस से बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है हाँ अलर्ट हमें रहना चाहिए और सारे प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हम पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ा सकें और पैनिक को कटील कर सकें थैंक यू